तो आप देखते हैं पीएनजी न्यूज, आज हम आपको लेकर आए हुए कांकरिया विस्तार में मरमिन नगर के जो एक पिकनिक पॉइंट के जाना जाता है, और यहाँ पे हम सर्वे करेंगे लोगों से पब्लिक के विषय में कि 2024 जो लोकसभा के जो इलेक्शन होने वाला है, जिसमें पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने 26 का 26 सीट के ऊपर में जीत पाए थे, तो इस बार लोगों से पूछते हैं कि मोदी जीतेंगे या कोई और आएगा, चलिए पूछते हैं लोगों से। तो यहाँ पे लोग और भी लोग कुछ नाश्ता कर रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं, सर इस बार 2024 में कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेंगे साहब, मोदी जी जीतेंगे, विश्वास है पूरा, पूरे वर्ल्ड को विश्वास है, हिंदुस्तान को क्या वैसा कोई नेतृत्व देखने मिला आपको 60 साल में कभी? मेरी उम्र 43 है, मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा नेतृत्व है। तो चलिए यहाँ पे एक लेडीज भी हैं, इनसे भी पूछते हैं, मैडम इस बार 2024 के इलेक्शन में कौन जीतेगा? हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जी। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई भाजपा जीतेगी यार, कुछ भी कोई भी को वोट दो, भाजपा जीतेगी, श्योर श्योर श्योर। चलिए यहाँ पे लोग बोल रहे हैं भाजपा जीतेंगे, चलिए और भी लोगों से पूछते हैं इसके बारे में क्या बोलते हैं। यहाँ पर जो दिखाना चाहूंगा एक लारी है, और यहाँ पे एक भैया खड़े हुए हैं, मुझे इनका जो पोशाक से लग रहा है कि लारी वाले। भैया क्या नाम है आपका? सुब्रत देवनाथ। सुब्रत देवनाथ, सुब्रत देवनाथ, देवनाथ बंगाली है, कितने सालों से अहमदाबाद में रहे? इधर देखिए, इधर देखिए बता, सीधा खड़ो ये, इधर देखिए, कितने सालों से रह रहे हैं? मैं 8-9 साल हुआ। 8-9 साल से। तो क्या लग रहा है बीजेपी जीतेगी इस बार 2024 में, मोदी साहब आएंगे कि कांग्रेस जीतेगा? अभी तो बोल नहीं सकते हैं। अरे क्यों नहीं, इतना अच्छा हंस रहे हैं तो बोल सकते हैं ना। गुजरात में कौन आएगा? यह तो मोदी आएगा लगता है, गुजरात में मोदी आएगा। अच्छा चलिए, ये बंगाल से बिलोंग करते हैं, देखिए बोल रहे कि गुजरात में मोदी आएगा। कि मैंने बताया कांकरिया का जो विस्तार है, यहाँ पे कुछ लोग नाश्ता भी कर रहे हैं, यहाँ पे जो फैमिली के साथ में, चाहिए उनसे पूछते हैं, सर 2024 में कौन आएगा? बीजेपी। कारण? सर अभी तो काम अच्छा कर रही है बीजेपी, इसलिए। मैडम आपको सेम, कौन आएगा 2024 में? सेम। चलो दोनों लोग सेम बताए, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे जो हैं उनसे पूछते हैं, कुछ लड़कियां हैं, बच्चे लोग, आप लोगों का इलेक्शन कार्ड आ गया? नो नॉट यट। अच्छा ये राजनीतिक में इंटरेस्ट है आप लोगों को? बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, चलो अच्छी बात है। 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें कौन जीतकर आएगा? भारी बहुमती तो भाजपा की है, भाजपा ही है। तो एज ए युवा है आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब क्या ऐसा भाजपा में देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि भाजपा ही जीतेगी? मतलब वो लोग काम ज्यादा करते हैं उनके मुकाबले, तो उसी वजह से लगता है कि भाजपा जीत सकती है। आप? भाजपा, भाजपा ही। चलिए भाजपा बोले, यहाँ पे और भी यंगस्टर है यहाँ पे, चलिए पूछते कौन जीतेगा 2024 के इलेक्शन में? मोदी। मोदी, मोदी। कारण? अच्छा काम किया है मोदी ने। अच्छा क्या किया? मतलब वही सर, सेम, बोलने की जरूरत ही नहीं है। मोदी आग बंद, ये बोले कि बोलने की जरूरत है ना, आग बंद करके मोदी ही आएंगे। गुजरात में ही खड़े हो और आप पूछ रहे हो? तो चलिए और भी लोगों से पूछते हैं, क्योंकि हर एक इलेक्शन का अलग अलग अपना अपना मूड होता है, और पब्लिक का मूड जानना भी जरूरी है, कैसा नहीं कि गुजरात में हम लोग हैं तो गुजरात में सिर्फ बीजेपी जीतेगी, चलिए पूछते हैं पब्लिक के साथ में। बीजेपी। बीजेपी। कारण? वही जो कमिटमेंट किया था वो पूरा किया हुआ है, सो मतलब सब पॉजिटिव दिख रहा है। पॉजिटिव, तो इनका भी कहना है कि मोदी साहब ही आएंगे, चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। यहाँ पे और भी दिखाना चाहूंगा, लोग खड़े हुए हैं, चलिए पूछते हैं, क्या नाम है? अजय। अजय भाई 2024 में कौन जीते? तो मोदी साहब आएंगे शायद, तो आ जाएंगे मोदी साहब, शायद आ जाएंगे। अहमदाबाद से हैं आप? हाँ अहमदाबाद से। अहमदाबाद से, तो इतने डरे डरे से क्यों बोल रहे हैं, खुल के क्यों नहीं बोल रहे? कुछ नहीं है, तो ऐसे ही। अच्छा आ जाएंगे मोदी साहब भी आएंगे ऐसे तो। मोदी साहब भी आएंगे, हाँ ठीक है। चलिए और भी है मेरे पीछे हैं, उनसे भी लोग पूछते हैं, क्या 2024 में कौन जीतेगा? मोदी जी। ये जब देख के बताइए। मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी, मोदी जी जीतेंगे, क्यों जीतेंगे? बस वही हमको अच्छे लगते मोदी जी सब। मैडम आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहिए, चलिए और भी लोगों से पूछते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे जो है एक फैमिली खड़ी है, हम लोग उससे पूछते हैं, सर आप बताइए 2024 के इलेक्शन में कौन जीतने वाला है? बीजेपी। बीजेपी, कोई कारण, कोई अच्छा काम किया है? सब अच्छा ही कर रहा है वो, सब अच्छा कर रहे हैं। आप अहमदाबाद से ही हैं? अहमदाबाद। चलिए यहाँ पे भी ये लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ही जीतेगी, चलिए और भी कुछ लोगों से पूछते हैं, मेरे पीछे जो दिखाना चाहूंगा कि और भी ढूंढते हैं लोग,
पर कुछ लोग हैं, इनके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि ये काफी इंटरेस्टेड है। सर एक बात बताओ, तिलकधारी और मूछ भारी, बोलिए, इस बार 2024 में कौन जीतेगा? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि काम ऐसा किया है मोदी सरकार ने। काम गिना दो आप। काम तो बहुत सारे देश के लिए किए, कौन सा काम गिनाओ आप? कितने गिनने जा रहे हैं? मोदी जी काम गिनाओ आप। बहुत सारे काम किए हैं। बोलो ना, क्या गुजरात का विकास के लिए चाहिए, राजस्थान का विकास, के एमपी यूपी जी तो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर, देश का तो पूरे देश का विकास किया है सर जी। चले एक जो बोल रहे हैं, सारा अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा किया है। मोदी बोलेंगे पांच साल जो मुस्कुराहट है ना, बहुत अच्छा है, बहुत मुस्कुराते हुए भी ये जवाब दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। और चलिए आगे भी कुछ लोग हैं, इनके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि ये काफी इंटरेस्टेड है। सर एक बात बताओ, तिलकधारी और मूछ भारी, बोलिए, इस बार 2024 में कौन जीतेगा? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि काम ऐसा किया है मोदी सरकार ने। काम गिना दो आप। काम तो बहुत सारे देश के लिए किए, कौन सा काम गिनाओ आप? कितने गिनने जा रहे हैं? मोदी जी काम गिनाओ आप। बहुत सारे काम किए हैं। बोलो ना, क्या गुजरात का विकास के लिए चाहिए, राजस्थान का विकास, के एमपी यूपी जी तो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर, देश का तो पूरे देश का विकास किया है सर जी। चले एक जो बोल रहे हैं, सारा अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा किया है। मोदी बोलेंगे पांच साल जो मुस्कुराहट है ना, बहुत अच्छा है, बहुत मुस्कुराते हुए भी ये जवाब दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। और चलिए आगे भी